नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी तोमर है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत मैं आपके समक्ष कुछ छत्तीसगढ़ी मुहावरे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, तो लीजिए प्रस्तुत हैं। पहला, चाउर छींचना अर्थात जादू करना। वाक्य प्रयोग, मंगलू हो ऐसे चाउर छींचिस के सबो जन मोहागे। दूसरा, छुछुआ के रहना अर्थात निराश होना। वाक्य प्रयोग, मोहन ह गांव चल दीस तो सोहन ह छुचुआत ले रगे। तीसरा, तीन पांच करना अर्थात उठा पटक करना। वाक्य प्रयोग, लोन ले के खातिर जोशीला ह बैंक वाला मन संग तीन पांच करन लागिस। चौथा, डेहरी खूंदना अर्थात किसी के घर जाना। वाक्य प्रयोग, झगड़ा होए के बाद बुधारू हो दिनेश के घर की देहरी न नहीं खूंदिस। पांचवा, दांत निपोड़ना अर्थात लज्जित होना। वाक्य में प्रयोग, स्कूल में डांस ल देख के राकेश दांत निपोड़ने लगा था। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं स्नेहा यादव कक्षा 10वीं अ की छात्रा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी मुहावरे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, कन्हैया ढील होना अर्थात कमजोर होना। वाक्य में प्रयोग, भूता करत करत राजू के कन्हैया ढील हो गए। दूसरा, तीड़ी बीड़ी होना अर्थात नष्ट होना। वाक्य में प्रयोग, पैसा पाए के चक्कर माँ सब टीढ़ी बीड़ी हो गए लागते। तीसरा, जीव देना प्राण प्रिय होना। वाक्य में प्रयोग, एक जन खातिर सब पर सो इन जीव देवर तैयार हो गए। चौथा, पानी ढील होना अर्थात डर जाना। वाक्य में प्रयोग, गुंडा मन ला आद देख मोहन के पानी ढील हो गए। पांचवा, डांड देना अर्थात जुर्माना देना। वाक्य में प्रयोग, भगतूला खेत ला बोए हंस कहे सिहानिया मन हा हांड दीस। कक्षा 9वीं का छात्र एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कुछ छत्तीसगढ़ी मुहावरे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पहला, कन्हैया ढील होना यानी कि कमजोर होना। वाक्य, बुता करत करत राजू के कन्हैया ढील हो गए। दूसरा, तिड़ी भिड़ी होना यानी कि नष्ट होना। पैसा पाए के चक्कर में सब तिड़ी भिड़ी होवे लागत। तीसरा, पानी ढील होना यानी कि डर जाना। गुंडाला आज देख मोहन के पानी ढील गए। चौथा, जियाऊ देना यानी प्राण प्रिय होना। वाक्य, एक जन के खातिर सबरो ज्याउ दिन तैयार हो गए। धन्यवाद।